फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके हम नेम देखेंगे। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हम लाइसोसोम ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा ईजी सा स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। और लाइसोसोम्स के बाद हमने राइबोसोम ड्रॉ किया। राइबोसोम्स हम जानते हैं फ्री भी होते हैं सेल में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिले हुए भी होते हैं। तो हमने फ्री राइबोसोम्स ड्रॉ किए। उसके बाद सेंट्रियोल्स ड्रॉ किया और सेंट्रियोल्स के बाद हम माइक्रोट्यूबुल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने देखा, पहले हमने सेल मेम्ब्रेन बाहर की जो लेयर थी वो ड्रॉ किया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूबुल्स और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस की जो कवरिंग है, जो इनवेलप है, हमने वो बाहर से ड्रॉ कर लिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, हमने न्यूक्लियोलस ड्रॉ कर लिया। और अब न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस से ही लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो किया है जिसमें राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं लगे होते हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए होते हैं तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद हमने गॉल्जी अपैरेटस ड्रॉ किया और उसी से गॉल्जी अपैरेटस से लगे हुए गॉल्जी वेसिकल ड्रॉ किया। और उसके बाद हम पिनोसिटोटिक वेसिकल भी ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा एनिमल सेल कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।